अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने पेटीएम से इलेक्ट्रिसिटी बिल को भर सकते हैं, पे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो पेटीएम है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, लेकिन आपके पास अगर कोई और एप्लीकेशन है तो आप इसी गाइड को फॉलो करेंगे तो किसी और एप्लीकेशन पर भी आप आसानी से अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान हो जाती है दोस्तों, आपको कहीं भी बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और आप जान जाएंगे कि आप कैसे पेटीएम से या फिर किसी और ऐप से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पास में रखिए क्योंकि इसमें दी गई डिटेल्स को आपको जरूरत पड़ेंगी। तो उसके बाद आपको खोलना है पेटीएम और आप लॉगिन वगैरह कर लीजिए, आप इसमें पैसे वगैरह डाल लीजिए और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि रिचार्ज और पे का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ रिचार्ज पर टैप करना है। यहाँ पर दोस्तों रिचार्ज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पर टैप करना है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी पर जाएंगे, यहाँ पर आप पूछेगा कि कौन सा स्टेट में है। तो मान लीजिए अगर आप बिहार का कर रहे हैं तो बिहार चूज कीजिए, अगर आप किसी भी स्टेट में है तो वो स्टेट चूज कर लीजिए। अब उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कौन सा है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे टैप करूंगा तो अलग अलग आएगा दोस्तों जो जो बिहार का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे कि IPCL है, यहाँ पे MVVL है, NBPL है और दोस्तों SBPD है। तो ये सब हम लोग चूज कर सकते हैं। तो कैसे पता करना है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कौन सा है, दोस्तों आपके बिल के ऊपर सबसे ऊपर ही लिखा रहेगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे मैं अपना बोर्ड दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं SBPDCL लिखा हुआ है, मतलब कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा SBPD। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया, अब आपका पूछेगा CA नंबर कौन सा है। अब ये CA नंबर क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे अपने बिल में तो वहाँ पे आपका CA नंबर लिखा रहेगा, या फिर दोस्तों अगर आपके पास दूसरे तरह का बिल है तो उसमें भी आपको CA नंबर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोस्तों CA नंबर मिलती है इस बिल में, मैं आपको बताऊँ जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड बिल है, यहाँ पर आपको मिल जाती है CA नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है दोस्तों CA नंबर। अगर आपके पास दूसरे तरह का बिल है तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि CA नंबर कहाँ पर लिखी गई है, कहीं बीच में लिखी हो सकती है, कहीं और लिखी हो सकती है, तो वो CA नंबर आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप यहाँ पे व्यू सैंपल बिल पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको साफ साफ बता देगा कि CA नंबर अगर हिंदी में लिखी गई होगी तो लिखी गई होगी खाता संख्या। तो आप खाता संख्या पे टैप कीजिए, आप खाता संख्या को दोस्तों उसमें लिख दीजिए। तो यहाँ पे मेरे CA नंबर यानी कि खाता संख्या लिखी हुई है, मैं उसे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग प्रोसीड पे टैप करेंगे। प्रोसीड पे टैप करने के बाद यहाँ पे अब पूछेगा कि आपका जो अमाउंट है वो कितना है, कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल अमाउंट जो है वो है 2695 रुपये। तो मैं इसे पे कर सकता हूँ यहीं से। आप कितना भरना चाहते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरे बिल पे लिखी हुई है साफ साफ कि 2695 रुपये है, तो उतना ही मुझे भरना है, तो मैं इसे आसानी से पे कर सकता हूँ। तो बिल अमाउंट जो है 2695 आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप पे कर सकते हैं। अब पे करने के लिए आपको अपना जो है चूज़ कर लेना, या तो फास्ट फॉरवर्ड कीजिए या प्रोसीड टू पे कीजिए। अगर आपको यहाँ पर बिल में आपको अगर कुछ लगाना है, जैसे कि आपको कूपन कोड्स वगैरह लगाने हैं, तो वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मिल जाता है हैव अ प्रोमो कोड का ऑप्शन, तो हैव अ प्रोमो कोड पे टैप करके आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कूपन कोड लगाना है। जैसे कि इसमें 100 रुपये वापस मिलेगी फ्लैट, या 50 रुपीज़ वापस मिलेगी, इसमें आपको दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें जो है वापस मिलेगी, तो आप ये सब चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को जल्दी से एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी ऑफर चुनने से पहले आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ लीजिए, वरना आप धोखा भी खा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बिजली कूपन कोड लगा दिया है, तो मुझे यहाँ पे 54 रुपये की कैशबैक मिल रही है जो कि मुझे 24 घंटों के अंदर मिल जाएगी। अब मुझे प्रोसीड टू पे करना है। अब यहाँ पे मिलता है प्रोटेक्ट योर होम कंटेंट अगेंस्ट बर्गलरी अप टू ₹1,00,000, तो आप इसे हटा सकते हैं अगर आपको ज़रूरी नहीं है। तो टोटल मुझे 2695 रुपये ही पे करना है। मैं इसे प्रोसीड टू पे पर टैप करूँगा। प्रोसीड टू पे टैप करने के बाद आपको अपना पेमेंट जो है वो कम्प्लीट कर लेना है। तो आप अपना पेमेंट अपने बैंक से कर सकते हैं या फिर अपने आप पेटीएम के बैलेंस से कर सकते हैं, तो ये काफ़ी आसान बन जाती है। तो चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ अपने पेमेंट को पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट ऑफ 2695 रुपये रिसीव्ड बाय पेटीएम। तो मैंने पेटीएम से अपने बिजली बिल को आसानी से पे कर दिया, मुझे किसी भी तरह की लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और आप भी आसानी से ऐसे ही पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और मुझे आप लोग को बताना था कि किस तरह से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। तो आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।